Today we will continue chapter 1 of geography for class 10th and chapter name is resources and development. आज हम पढ़ने वाले हैं classification of soils, यानी कि विभिन्न तरह की जो मृदाएं हैं उनका विभाजन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं एलुवियल सोइल से. एलुवियल सोइल को जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं. फर्टाइल एंड प्रोमिनेंट सोइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है ये मिट्टी, और भारत के बहुत सारे एरिए को कवर इसी मिट्टी के द्वारा किया गया है. फॉर्मेशन, यानी कि इसकी बनावट, किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ. तो रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स, इसके फॉर्मेशन में सबसे अहम भूमिका जो निभाई वो हिमालयन रिवर्स ने निभाई. हिमालयन रिवर्स अपने साथ बहुत सारा मवाद बहा करके लेके आती हैं और उसको क्या कर देती हैं, उसको फ्लड प्लेन के रूप में जमा कर देती हैं उपजाऊ मैदान में, या फिर जो हिमालय पर्वत से जब नदी नीचे की ओर बहती है तो नीचे जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पर इस मिट्टी को जमा कर दिया जाता है, जिससे कि इन मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद है रोल ऑफ डेल्टा. अब मिट्टी जमने के बाद, यानी कि एक तो मिट्टी जो जमती है या मिट्टी को, मिट्टी में जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो उपजाऊ मैदान में तो छोड़ ही जाते हैं नदी के द्वारा, उसके साथ साथ नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपने एंडिंग टाइम में नदी के अंदर बहुत सारा जलोढ़ या बहुत सारा मवाद जो है वो इकट्ठा हो जाता है कंकड़ पत्थर के रूप में, नई मिट्टी के रूप में. तो अब नदी की जो धारा है वो तेज नहीं होती, तो नदी जो है वो अलग अलग स्ट्रीम्स में विभाजित हो जाती है, या अलग अलग ट्रिब्यूटरी वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है. और ये ट्रिब्यूटरी कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती हैं. तो ये ट्रिब्यूटरी क्या करती हैं, अपने साथ जितना भी, क्योंकि पानी की मात्रा भी कम है लेकिन उसके साथ बहा कर लाया गया जो वेस्ट मटेरियल है, जो पत्थर है, कंकड़ है, वो ज़्यादा है, तो वो उसको वहीं पर जमा करना शुरू कर देती है समुद्र में गिरने से पहले, वहाँ के इलाके में उसे जमा करना शुरू कर देती है. तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है इंडिया के अंदर, तो इस ट्रायंगुलर शेप के कारण इसको डेल्टा कहा जाता है. तो एलुवियल सोइल को की फॉर्मेशन में दो सबसे अहम भूमिकाएँ निभाते हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स और एक डेल्टा. लोकेशन, अब ये लोकेट कहाँ कहाँ पर है, देखिए अभी तो हम इसे ओल्डली देख लेते हैं, एंड में जब हम सारी सॉइल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे तो हम इसे मैप से भी समझेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है. तो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, यानी कि उत्तरी जो मैदान है वहाँ पर इसकी लोकेशन हम कहेंगे, और इसके साथ साथ कोस्टल एरिया. अब आप कहेंगे कोस्टल एरिया कौन सा, एक तरफ हमारा ईस्ट का कोस्टल एरिया है और एक तरफ हमारा वेस्ट का कोस्टल एरिया है. तो ईस्ट कोस्टल एरिया यानी कि पूर्वी तटीय मैदान पर हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है. अब नदी जब ऊपर से, यानी कि पहाड़ों में से निकलती हुई नीचे गिरती है वैलीज़ में, तो वहाँ पर ये क्या क्रिएट करती है, पेडिमेंट प्लेन्स क्रिएट करती है. पेडिमेंट्स प्लेन्स क्या होते हैं, यानी कि ऊपर से पानी बहुत सारा अपने साथ क्या कंकड़ पत्थर को बहा करके लेकर आते हैं, और मिट्टी के रूप में, कंकड़ पत्थर के रूप में ये एक जगह पर जहाँ पर नदी गिरती है, यानी कि जहाँ पर वो प्लेन पे मिल रही है, प्लेन में आकर मिल रही है, उपजाऊ मैदान में आकर के मिल रही है, तो उस जगह पर वो क्या करती हैं, अपने साथ बहा कर लाए हुए बहुत सारे अवसाद को जमा कर देती हैं. ठीक है, तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुला जाता है, जैसे पंजाब में से दुरास कहा जाता है, असम में से चोस कहा जाता है, और यूपी में से तराई कहा जाता है. तो दुरास, चोस और तराई, ये क्या है, ये है पेडिमेंट प्लेन्स हैं. इसी तरह इस मिट्टी की दो अलग अलग सब डिवीज़न कर दिए हैं, खादर और बांगर. खादर जो है वो नवीन जलोढ़ होता है, यानी कि नई नई मिट्टी जो हर साल बहा करके लाई जाती है उसे हम खादर कहते हैं. और बांगर जो होती है वो पुरानी, यानी कि ओल्ड एलुवियल सोइल होती है. ये ज़्यादा फर्टिलिटी इसमें नहीं होती, ये फर्टाइल ज़्यादा नहीं होती, जबकि खादर में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है. कंटेंट एंड क्रॉप,
तो इसके अंदर अब क्या क्या कंटेंट मिलता है हमें, किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है? तो पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, यानी कि पोटाश की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, फास्फोरिक एसिड इसमें ज़्यादा मिलेगा और चूना जो है इसमें ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पर किस तरह की क्रॉप्स उगा सकते हैं? देखिए, क्रॉप्स तो यहाँ पर बहुत उग सकती है, लेकिन हम वो देखेंगे जो सुटेबल है, जो जिसकी पैदावार यहाँ पर ज़्यादा होगी ही होगी। दैट इज शुगर केन, गन्ना, पैडी, चावल, पल्सिस दालें, सीरियल्स, हर तरह का अनाज, वीट, गेहूं, तो इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो ये हमने अपनी पहली सॉइल टाइप को पढ़ा, दैट इज एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आंसर होगा रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल के लिए या ब्लैक सॉइल के लिए, या इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? तो ब्लैक सॉइल की जो फॉर्मेशन हुई वो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हुई, और उसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक थी वो इसकी फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अगर हम बहुत साल पहले की बात करें, यानी कि करोड़ साल पहले की बात करें, जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, जहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, डेक्कन प्लेट्यू इसके अंदर आता है, मालवा का पठार इसके अंदर आता है, तो वो जगह क्या थी? वहाँ पर किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता था। तो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब लावा बाहर निकलता है तो वो मैग्मा बन जाता है ठंडा होके, और मैग्मा जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है। पेरेंट रॉक हम लोग क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वोल्केनो आज के टाइम के नहीं, बहुत समय पहले से ही यहाँ पर इनका इरप्शन, यानी कि वोल्केनो इरप्शन बहुत साल पहले हुआ था। तो आज के टाइम में ये एक तरह से पेरेंटल रॉक है। ठीक है, तो इसके साथ साथ डेकन ट्रैप किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है। आपको पता है कि लावा जब निकलता है और मैग्मा बन के जब वो ठंडा होता है तो उस वो जो रॉक होती है वो बेसाल्ट रॉक होती है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू है, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पर ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम एक बिल्कुल एक 1 लाइन में इसका आंसर दें, अगर हम लोग स्टेट की बात ना करें, तो सीधा इसका आंसर में हम लोग साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। साउथ वेस्टर्न पार्ट यानी कि साउथ हम लोग नीचे का हिस्सा लेंगे मुंबई का, और वेस्टर्न में हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा उसमें ले लेंगे। गुजरात में ये पैचेस में दिखानी है, जबकि महाराष्ट्र और एमपी में आप इसे ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो फीचर्स इसके होते हैं क्ले नेचर, इसका जो नेचर होता है वो क्ले ही होता है। क्ले मीन्स बहुत सारा पानी जो है ये अपने अंदर जो है ले सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती है वाटर को अपने अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा एक जो व्हीट डो होता है, यानी कि गेहूं का जो आटा होता है, उसमें उसको जब हम गूंथते हैं तो उसमें बहुत सारे पानी की खपत होती है, और उसका जो नेचर होता है उस समय पर वो क्ले ही नेचर होता है, यानी कि एक तरह से चिपचिपा उसका प्रॉपर्टी होती है। बट वैन इट ड्राई, लेकिन जब आपने देखा कि वो आटा ड्राई हो जाता है तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ठीक हम लोग इसको व्हीट डो से कंपेयर कर सकते हैं ब्लैक सॉइल को। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है? इसके अंदर हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये कंटेंट इनके अंदर मिलते हैं। और किस चीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल है? तो मोस्ट सुटेबल में आएगा कॉटन, यानी कि गेहूं अच्छा हो सकता है, शुगर केन क्रॉप्स यहाँ पर अच्छी हो सकती है। वैसे तो इसमें बहुत सी क्रॉप्स और भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग उन क्रॉप्स की बात करें जो एक तरह से कैश क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स की तरह काउंट होते हैं। तो आज हमने यहाँ पर अपनी ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल के साथ साथ एलुवियल सॉइल को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेड येलो सॉइल के बारे में और लैटराइट सॉइल को देखेंगे। यहाँ तक आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।